तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो स्नो फॉलिंग के रिलेटेड है। तो अभी जो है ब्रेशिया में सर्दियों की पहली स्नो फॉल हो रही है। मेरी लाइफ में जो पहली मैंने स्नो फॉल देखी थी वो पिछले साल थी 2017 की 10th दिसंबर को। तो जो वैसे मैंने स्नो फॉल हुई हुई देखी है, लेकिन ऐसे हो रही हो वो मैंने कभी इससे पहले नहीं देखी थी। तो जो मैंने पहली स्नो फॉल देखी थी वो मेरी बर्थडे वाले दिन ही हुई थी। जिस दिन बर्थडे थी मेरी उसी दिन पहली स्नोफॉल हुई थी। तो ये कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था मेरे लिए कि मैंने पहली स्नोफॉल उस दिन देखी जिस दिन मेरी बर्थडे थी, 10th दिसंबर 2017 को। तो आज फिर ब्रेशिया में स्नोफॉल हो रही है। तो अभी जो है मैं बाहर निकला हूँ और अभी चैंत्रो वाली साइड पे जाना है, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा इंस्टाग्राम के लिए। अभी जो ब्रेशिया का चैंत्रो है उधर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है। और यहाँ ट्राई करता हूँ कि जो प्यासा लोजा और प्यासा वितोरिया उसकी स्नोफॉल होते हुए पिक्चर ले सकूं, कुछ इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर ले सकूं। ऐसे ही जो स्नो है वो ज़मीन पे गिरती है बर्फ़, तो वो पिघल जाती है। तो जो मैं लेना चाह रहा था पिक्चर्स उस तरह की नहीं आ रही। मैं चाह रहा था कि चैंत्रो पूरा कवर हो स्नो से और मैं प्यासा लोजा की पिक्चर्स लूं इंस्टाग्राम के लिए, तो वो वाला सीन नहीं है। तो अभी वैसे आपको स्नोफॉल के शॉर्ट्स दिखाते हैं। विंटर की ये पहली स्नोफॉल है, तो शॉर्ट्स वगैरह मैंने ले लिए हैं और इट्स फ्रीजिंग नाउ, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।